प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है अब मुमरा के एमएम वाले पर। आपको बता दें, इसकी खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी किस तरह से यहाँ पर जो है कुछ दिन पहले एक डंपिंग ग्राउंड सा बन गया था, लेकिन जिसके बाद खबर दिखाने के बाद इसका असर हुआ और जो यहाँ से कचरा उठाया गया। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पर कचरा भी डाला जा रहा है और कचरे के ऊपर जो है यहाँ पर रैबिट डालकर जो है इसकी भरनी की जा रही है। आपको दिखा दें, वहाँ पर पहले जो हमने खबर दिखाई थी तो वहाँ तक ये कचरा नहीं था, लेकिन अब कचरा इसे डालकर उसके ऊपर फिर रैबिट डालकर इसकी कहीं ना कहीं जो है भरनी की जा रही है। और जो यहाँ के ग्रेस स्क्वायर और सुकून हाइट्स हो गया, यहाँ के जो रहवासी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कचरा नहीं डालना है, ना ही भरनी करना है, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्योंकि बाजू में ही एक अस्पताल है और बाजू में ही कोरोना सेंटर का भी अस्पताल बना हुआ है। काफ़ी गंदगी यहाँ से फैलती है और मुमरा शहर कहीं ना कहीं जो दीवा का डंपिंग ग्राउंड है उसके जहरीली धुएं से भी जूझ रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये एम एम वली का इलाका है, यहाँ से डंपिंग ग्राउंड ये काफ़ी नज़दीक है और ये धुआं यहाँ पर आता है, जिससे वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। आज फिर यहाँ पर जो ग्रेस स्कोर और सपून हाइट्स के लोग इकट्ठा हुए और कचरे की जो गाड़ी है उसे आगे ही रोड पर रोक दिया गया कि आप लोगों को यहाँ कचरा नहीं डालने दिया जाएगा। जिसके बाद जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं उनको बुलाया गया कि आखिर यहाँ पर कचरा क्यों डाला जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, राजू अंसारी और शाहआलम भाई और ग्रेस स्कोर सुकून हाइट्स के लोग यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले बापू भाई आपसे बात करेंगे कि आपको यहाँ पर बुलाया गया है, इनका कहना है कि कचरा आपको यहाँ नहीं डालने दिया जाएगा और आप कह रहे हैं कि गोसावी साहब ने कहा है कि ये भरनी करना है, भरनी भी कर रहे हैं आप तो कचरा डाल रहे हैं, उसके ऊपर रैबिट डाल रहे हैं। रैबिट और कचरा डाल रहे हैं, कचरा और रैबिट डाल रहे हैं। और रही गई बात सुकून हाइट की, तो जो यहाँ पे कुछ भरनी करने का बात था, कुछ सीनेटर हाउस ऐसा बनने वाला, इसके लिए हम लोग भी सोचा कि चलो अच्छा है। सो ये जो सुकून नाइट है, जो भी भाई है, इनको 2 महीना पहले हमने बताया था कि हमारी गाड़ियाँ है रीति बंदर में खड़ी, वो चालू हो जाएगी, मगर कुछ वजह से चालू नहीं हुई। और आज जो कचरा गिरा है इसके वजह से सब लोग भड़क गए। और मैं मानता हूँ कि इनका कहना था कि आपने ये आश्वासन दिया था कि अब यहाँ कचरा डाला नहीं जाएगा और जब तक डाल रहे हैं 2-4-5 दिन की बात है, 1 तारीख तक हम ये कचरा पूरा हटा लेंगे। अगर सुबह जो गाड़ी से कचरा गिरता है उसको शाम तक उठा के लेके चले जाएंगे, लेकिन 1 तारीख काफी दिन हो गया, गुजर गया, कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है, फिर जो रैबिट भी लाकर डाली जा रही है, भरनी भी किया जा रहा है। जो नाला बाजू में आप देख रहे हैं, इस नाले के ऊपर से भी पाइप लगाकर उसे ढका गया, उसके बगल में भी कचरा और रैबिट डाला जा रहा है, भरनी किया जा रहा है। तो हम लोग है ना इधर जेसीबी से पहला भरते थे जो भी मुमरा की गाड़ियां, सबसे पहला बात तो ये कचरा मुमरा का है। दूसरा बात, अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई उधर जाओ, तो वो बिल्डिंग के पास हम लोग गए तो वो लोग बोले इधर नहीं डालने का, इधर गए इन्होंने मना किया, फिर वहां पे गए, वहां ये कचरा जो है मुमरा का है, हम समझते हैं ये सब कचरा 1-2 साल नहीं 3-4 साल उधर ग्लोबल पे गिरता था, ग्लोबल पे रोड का काम चालू होने की वजह से वहाँ से बंद किया। अब ये कचरा हमारे पास एक ही पर्याय है कि ये जो गाड़ी आई ये खड़ी रहेंगी, उसके अंदर कचरा जाएगा। आज का जो कचरा है, आज का जो मसला है, ये मैं एक आज ही या तो कल तक फाइनल कर दो, कल 6 बजे तक नहीं हमारे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जैसे अभी बाबू भाई ने बोले कि पहले भी 2 महीना पहले भी ये बात हुई थी और हमने इस बात पे भरोसा भी दिलाया था कि कुछ दिन की हमें सहूलत चाहिए, एट द मोमेंट हमारे पास जगह नहीं है, हम जगह ढूंढते और वो जगह ढूंढने के बाद में एक सही जगह पे ये कचरा डाला जाएगा, बराबर है। क्योंकि ये जो सराउंड है इसको बोलते हैं जोन नंबर 4 दिया गया होता, काइंड ऑफ मुमरा का पॉश एरिया माना जाता है, उस बेस पे हम लोग ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हमारी पूंजी लगा के ले लिए, बरोबर है। जहां पर आप कई जीपी में लो वहां पर का आपको प्रॉपर्टी टैक्स होता है 4-4.5 हजार रुपए, यहाँ पर 10-12 हजार रुपए प्रॉपर्टी टैक्स है, टीएमसी माना जाता है, बोलते आग बंद करके पैसा डालो। सराउंड अभी क्या मांगे हैं आपकी, यहाँ पर कचरा यहाँ पर आप लोग डाले, अभी 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 देखो अब जैसे बाबू ने बोले कि यहाँ पर कचरा पिकअप और डंप हो रहा था, लेकिन आज 4 दिनों में ये इन्होंने क्या किया, जब देखे कि यहाँ से कोई तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो ये नाले के ऊपर इन्होंने भरनी डाले। और ये लोग क्या करते हैं एवरीडे, मेरा घर सामने, मैं ऊपर से देखता हूँ कि पूरी गाड़ी आती है और लिटरली वहाँ डंप होती है,
डंप होने के बाद में लोग क्या करते हैं, जब कचरा बढ़ता है तो जेसीबी आती है, उसको झाड़ियों में डालती है उधर खाड़ियों में, और जब शाम होती है तो वहां पर इसका जो सूखा रैबिट है ना उससे वो कवर करती है। लेकिन जब बारिश के महीने आएंगे और ये जब कचरा सड़ेगा, ये गलेगा, और ये कभी जब ये डैम है कभी खुला भार आया तो इसमें लाखों रुपए के जो फ्लैट लिए है, हमारा वैल्यू क्या है? हेल्थ, तो हेल्थ और दूसरी बात है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब शाम का वक्त होता है दीवा का तो पहले धुआं पहले ही आ रहा है आंखों में, खिड़की बंद करनी पड़ती है, मच्छर आती है, मेहमान आते तो खिड़की खोलते, तो गार्डन तो पहले बना ही नहीं है, देखेंगे तो कचरा ही कचरा है। तो इसको हमें रोकना, हमारा यही कहना है। आप जैसे कहते हैं ना कि पिकअप और डंप, पिकअप तो शाम के 6 बजे तक चलता है, तो फिर उठाने का मतलब ही क्या? बाद में रात हुई तो सूंघना तो है हमारे को रात के सुबह तक। हम लोग को यहाँ पे बाबू आप क्या करें, आप इनकी मांग है कि आप यहाँ पर कचरा ना डालें। हाँ चलिए ठीक है, लोगों की मानेंगे है, और यहाँ पे इनका ये भी कहना, अगर भरनी करे तो आप लाके मिट्टी डालिए, कुछ भी डालिए, लेकिन कचरा मत करते। ऑर्डर कहाँ है आपके पास यहाँ डंप करने का? इलीगल मतलब म्युनिसिपैलिटी का ही जगह है, नहीं जगह रहने का मतलब क्या है? अगर म्युनिसिपैलिटी का जगह है तो तुम रिहायशी इलाके में जगह रैपिड से तुम भरने करो। पब्लिक आपको मना नहीं कर रहा है, ये जो भरने आपको करना है ना, म्युनिसिपैलिटी बोली ना भरने करने के लिए, तो आप रैपिड से भरो ना भरनी, कचरे से भरनी मत करो, ये उनका ऑब्जेक्शन है। कचरे से जो भरनी कर रहे हैं, बारिश में जब छड़ेगा तो बास आएगी, बीमारी फैलेगी, उसकी वजह से लोगों का यह ऑब्जेक्शन है। तो हमने ये चार कचरा आप नहीं डालेंगे? अभी जो तीन चार गाड़ियां जो रोकी गई है वो सब गाड़ियां दीवा जाएंगी, और यहाँ पे अभी कचरा जो उठाने का काम चालू होगा, और मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, अगर ये जगह नहीं मिल रही तो आप दूसरा जगह देख लो। राजू भाई, यहाँ जिस तरह से तमाम लोग आज आए थे और इसका यहाँ पर कचरा फेंकने का विरोध कर रहे, हालांकि बापू भाई ने कहा है कि आज के बाद वो कचरा नहीं डालेंगे, तो क्या सहमत हैं आप लोग? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से, कि ये जो जमीन है, ये जमीन महानगर पालिका ने रिजर्व कर यहाँ पे स्लॉटर हाउस और गर्ल्स फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए इसको रिजर्व किया है, जिसकी भरनी चालू है, और हम ये चाहते भी हैं कि यहाँ पर भरनी होनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई हमारी महानगर पालिका की तरफ से, या मैं महानगर पालिका नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा जो हमारे अक्षय एंटरप्राइजेस जो है, और जो पूरे मुबरा कौसा में सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का जो काम कर रहा है, जिसे प्राइवेटाइज किया गया है, जिसमें महानगर पालिका कोई बंदा काम नहीं करता, सिर्फ हमारा काम मॉनिटरिंग करना है, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारे बापू मखरे साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से, मेरे भाई जैसे हैं, ये इसको मैनेज करने का काम करते हैं, और यहाँ पर काम जो हो रहा था वो थोड़ा सा टेक्निकली ये बराबर से बोल नहीं पाए, यहाँ पे सिर्फ सेग्रीगेशन करने का काम किया जा रहा था। जब पूरा मेन रोड के ऊपर तीन जगह पे कचरा गिरता है, एक कालटेक्स पेट्रोल पैनानगर पे गिरता था, दूसरा ग्लोबल पे गिरता था, तीसरा बाईपास पे गिरता था, वो कचरे को वहां से जगह पर से सेग्रीगेट करके उठाना बहुत तकलीफ होती थी, जिसके लिए हो सकता है महानगर पालिका ने इनको कहा हो कि भाई हमारी जमीन के ऊपर आप सेग्रीगेट करने का काम कर लीजिए। ये सिर्फ सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करने का मतलब ये होता है गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना, प्लास्टिक को अलग करना, कागज को अलग करना, मट्टी को अलग करना, इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। ये सेग्रीगेशन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, मगर उसकी वजह से भी कुछ हमारे इलाके के लोगों को आपत्तियां थी, और हो सकता है इसमें कुछ भूल भी हो रही थी, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर फोन पर कहा कि साहब यहाँ पर जो कचरा लोग डालते हैं 50% ही कचरा उठाया जाता है, 50% कचरा जो है वो यहाँ पर दफन कर दिया जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे ऐसा लगता है कि सही कह रहे थे लोग। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग बात करेंगे हमारे ऊपर के अधिकारियों से, जो हमारे एसटीपी के जो इंचार्ज है, हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इंचार्ज है अशोक भुरपुले साहब नाम है उनका, वो हमारे डीएमसी भी हैं और हमारे सचिव भी है महानगर पालिका के, उनसे भी रास्ता कायम करता हूं, उनसे कहता हूं कि फौरन यहां पर जो सेग्रीगेशन करने का काम है इसे बंद किया जाए। हमारी महानगर पालिका की कई जगह पर अलग अलग जमीनें हैं, जैसे डायगर में हमारे पास 52 एकड़ का प्लॉट है, जैसे दीवा में हमारे पास 11 एकड़ का प्लॉट है, जैसे हमारे पास शील वादी फरा के अंदर 13 एकड़ का प्लॉट है, ये बड़े बड़े प्लॉट है जहां पर कोई आबादी नहीं है, वहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके ठीक बाजू में हमारा कोविड-19 का स्पेशल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, वहां मरीजों को भी तकलीफ हो सकती है, साथ में बड़े बड़े यहाँ पे कॉलोनीज है, बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है, चाहे वो सुकून हाइट्स हो, चाहे यहाँ पर वो ग्रे स्क्वायर हो, चाहे वो एमएम वैली हो, चाहे वो सुरमे प्लाजा हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मीना रेसिडेंसी हो, ऐसे कई बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, सामने एक सेंट्रल हाइट्स करके मैं देख रहा हूँ सामने एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, मेरे को लगता है शायद 6-7 महीने में वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो लोग जब यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों को एक अच्छा साफ वातावरण दिया जाए, जिसके लिए लोग हमें चुन करके देते हैं, अगर हम वो ना कर सके तो हम ये समझते हैं कि हम उसके अंदर नाकाम रहेंगे, तो हम उसके लोगों की हमारे ऊपर अपेक्षा रहती है
कि नहीं, हमने जब हमारे लोक प्रतिनिधि को चुन करके दिया है तो वो हमारे लिए हर चीज की मूलभूत जो सुविधाएं उसका वो लिहाज करे, उसको वो पहुंचाने की कोशिश करे। तो मैं ये समझता हूँ इतने सारे लोग जो यहाँ पर जमा है उनको तकलीफ सचमुच थी, तभी तो वो लोग यहाँ पर जमा हुए होंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैंने अभी के अभी मैंने फौरन बाबू मकर से बात की और मैंने कहा है उनसे कि फौरन इसे बंद कर दिया जाए फौरी तौर के ऊपर, और हमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जमीन नहीं मिलती है, हम कमिश्नर साहब से बात करें, हम डॉक्टर विपिन शर्मा साहब से बात करेंगे, हम हमारे मंत्री जी से बात करेंगे, कहीं ना कहीं इसको एक आइसोलेटेड एरिया के ऊपर इसको सेग्रीगेशन करने का काम किया जाए ताकि यहाँ के इलाके के लोगों को तकलीफ ना हो। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पहले हमारे कारपोरेटर भाई जो आए उन लोगों का बहुत बहुत उपकार है, एहसान है, कोई एहसान, लेकिन मेरा कहना यह है कि कचरा जो डाला जाता है डंपिंग ग्राउंड जहाँ बनते वो आइसोलेटेड जगह होती है, बस्ती के बीच में आबादी के बीच में नहीं होती है, ये म्युनिसिपैलिटी का ही नियम है, म्युनिसिपैलिटी के लोगों को पता है, फिर भी वो बीच बस्ती के बीच में ऐसा कचरा डालने का काम कर रहे हैं। इसको जल्द से जल्द रोका जाए, वरना हमारे लोग इन कारपोरेटर भाई को तो तंग करेंगे, हमारे एमएलए को भी तंग करेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हमारी महिलाएं बच्चों को लेके, हमारी महिला बच्चों को लेके, अगर आप जल्द से जल्द इस पे ध्यान नहीं देते तो मेरे कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ध्यान दे और इस काम को जल्द से जल्द, जैसा राजू भाई ने कहा है बहुत अच्छा सजेशन है, इससे हम एग्री है, लेकिन फिर भी वो जब तक अमल में नहीं आता है तब तक वो अच्छा सजेशन नहीं होता है। ये सुपरवाइजर जो भी साहब खड़े बाबू भाई बोलते हैं जिन्हें, इन्होंने 3 महीना पहला वादा किया था, अरे क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, रजिया हो राधा, वादा तेरा वादा, ऐसा वादा आपने किया, ये तो धंधे वाले लोग करते हैं, आप भी धंधे वाले कॉन्ट्रेक्टर के आदमी हो, बहुत खुशी की बात है कि आप अच्छा कहा, लेकिन हमारा कहना है कि बस्ती से ये कचरा, आपने उस बिल्डिंग का उदाहरण दिया कि वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया हमने हटाया, अरे हम क्या इंसान नहीं है जो 3 महीने से आपको बोल रहे हैं, आप हर बार वादा ही दे रहे हैं, हम तो मजबूरन बोलना चाहते हैं कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे हमारे जो कारपोरेटर साहब, अभी इन्होंने कहा है कि हम, मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी होगी, हमारे जो कारपोरेटर साहब ने कहा है हम उससे एग्री है, लेकिन ये वादा वादा नहीं रहना चाहिए, जैसा 15 लाख घर आने का वादा था 15 लाख आए नहीं, वैसा ये वादा भी वादा ना रहे, ये वादा अमल में लाया जाए, तभी हम इन कारपोरेटर पे और ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे जो शालम आजमी साहब सबसे पहले ये हमारे ये पहुंचे हैं और सबसे पहले इन्होंने इस मुद्दे को गर्म किया है और मुझे भी इन्होंने ही फोन करके बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनके भी तसरत ले लिया जाए। शालम भाई आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए इस तरह से तमाम लोगों को परेशानी थी, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मांग थी उस पर बाबू साहब ने जो है बाबू भाई मखरे ने गौर किया और कहा कि आप कचरा नहीं डालेंगे। नहीं नहीं सही बात है, बाबू भाई ने जो मतलब लोगों से पहले वादा किया था कि भाई 2 महीने के अंदर हम लोग यहाँ काम बंद कर देंगे, अब उनकी कोई मजबूरी रही होगी कुछ वजह से नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आज जब हम लोग को एक हफ्ते से लोग कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ के लोग फोन कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा मतलब है, तो मैं आया इधर पे, लोग थे यहाँ, फिर बाबू मकरे साहब को फोन किया, इनके जो और सुपरवाइजर थे सबको बुला के, भाई देखो लोगों की तकलीफ है और जो चीज इन लोगों ने बताया वो सही है, जगह पे सारी चीज है कि यहाँ हम बर्निंग कर रहे थे, कचरे से ही बर्निंग हो रही थी, तो इन्होंने कहा ना कि मतलब गोस्वामी साहब ने कहा तो ठीक है, अगर गोस्वामी साहब ने किया है ना भरनी का तो आप मट्टी से भरनी करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, और नहीं तो फायदा होगा कि भाई मट्टी से भरनी होगी, मैदान रहेगा, लोग घूमेंगे फिरेंगे खेलेंगे, लेकिन कचरे पे भरनी नहीं करने की लोगों की आप मना कर रहे, इसलिए हम भी यही चाहेंगे कि जो हमारी आवाम बोलेगी हम वो काम करना पसंद करेंगे, इसलिए बाबू मकरे साहब ने अभी हमको वादा किया है कि आज ये कचरा उड़ जाएगा 2 दिन के अंदर, पहले नहीं, अगर वादा नहीं होता जिस तरीके से चाचा ने कहा, पक्का वादा है क्या? पक्का वादा है ये बाबू भाई का, हमारे बुजुर्ग चाचा जो चाचा ने कहा है उस पे वो किया जाएगा कि यहाँ पे हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, तो मैं भी एक छोटा सा कार्य करता हूँ, आप सबको मालूम है, चाचा उतना वक्त इंशाल्लाह नहीं आएगा ऐसा वक्त, काम अभी चालू हो जाएगा और कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर जो कचरा डाला जा रहा है उसके ऊपर फिर रैबिट डालकर जो भरनी की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन जो कचरा यहाँ संभालता है उसके जो सुपरवाइजर है बापू मखरे, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि अब वो कचरा नहीं डालेंगे यहाँ पर और मिट्टी से ही भरनी किया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या पप्पू मखरे ने जो वादा किया है वो पूरा करते हैं या फिर दोबारा यहाँ से ये कचरा ऐसे ही डाला जाएगा और यहाँ से यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गंदगी फैलना, बीमारी फैलना का खतरा यहाँ से बढ़ सकता है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।